हमने एक बहुत बड़े संत के दर्शन किए। वो सामान्य स्तुतियों को भी ग्रंथ में देखकर ही पढ़ते थे। हद तो तब हो गई जब एक दिन वो हनुमान चालीसा भी देख के कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा, मुझे सब आता है, लेकिन अहंकार नहीं रहना चाहिए इस बात का कि अब ग्रंथों को क्या छूना, मुझे तो सब आता है, सब आता है हमको तो, इसलिए हम पास रख लेते हैं ग्रंथों को, त्रुटि ना हो, कोई अशुद्धि ना हो, अहंकार भी ना हो। फूल को कहां पता है उसमें सौकर्यता है, सौरस्यता है, सौरभ्यता है, सुगंध है, मधुर मधु है, उसके पराग में मधुर और दिव्य एक मंद आकर्षण है, या कोई एक बड़ा सम्मोहन लिए वो जी रहा है, या वो बड़ी एक औषधि है, या उपवन की शोभा है, उसे तो पता ही नहीं है। तो जैसे प्राय औषधियों को उनके गुणों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही महापुरुषों को भी अपनी महानता का पता नहीं होता है। तो वो गोपन रखेंगे, सुतम में गोपाय, उसका गोपन ही रहना चाहिए, तप का भी, भजन का भी, भोजन भी, कुछ चीजें एकांत की हैं, और उसी के वशीभूत होकर भगवान प्रकट हो गए विनम्रता के कारण, निराभिमान्यता के कारण। ये तो आपको याद रखना होगा कि अहंकार फटकने ना पाए। जैसे जैसे साधन बढ़ता अहंकार भी तो बढ़ता है ना, दोनों प्रकार के साधन, वो बहिरंग साधन हो, अंतरंग साधन हो, वो भौतिकीय साधन हो अथवा वो पारमार्थिक साधन हो, उनसे भी अभिमान आता है। देखो हम कितने बड़े तपस्वी हैं, हम तो बड़े योगी हैं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विचारक हैं, बड़े साधु हैं, ये आपको बड़प्पन का ज्ञान कैसे है? एक श्रीमान जी कह रहे थे कि मैं बड़ा सरल हूं। भाई सरलता का पता कैसे लगा आपको कि आप बहुत सरल हैं? आपको इस बात का भी पता है कि आप सरल हैं? बड़े जटिल हैं आप तो, सिंपलिसिटी आप में कैसे पता आपको? ये किसने बता दिया आपको? किसने बहका दिया होगा आपको? सरल नहीं है आप, सरल होते तो पता ना होता। हम तो बहुत प्रेम करते हैं लोगों से, अच्छा आपको पता भी है? प्रेम करने वाले को तो पता ही नहीं होता, वो तो उसकी प्रकृति होती है, स्वभाव है प्रेम तो, करुणा। संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।